इंदौर में बड़े स्तर पर आयोजित होने वाली इंदौर साइक्लोथॉन को लेकर विधायक रमेश पेंदुला ने भी लोगों से अपील की है। हमेशा अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक रहने वाले विधायक रमेश पेंदुला ने डी लाइव न्यूज से चर्चा करते हुए लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस आयोजन में शामिल हो। अक्सर सियासत की साइक्लोथॉन पर तो बहुत बात होती है, लेकिन जब भी राजनेता पर्यावरण सहेजने की बात करते हैं या साइकिल पर सवार होते हैं तो बहुत गहरा संदेश जाता है। फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं विधायक श्री रमेश पेंदुला, सीधे उनसे मुखातिब होते हैं। मिनी मुंबई, जिसे मध्य प्रदेश का दिल कहा जाता है, वहां पर साइक्लोथॉन का आयोजन होने जा रहा है। कितनी तैयारियां हैं और किस तरह से माहौल अब बनने लगा है कि लोग भी साइकिल चलाने के लिए प्रेरित हों? सबसे पहले रमेश जी, किस तरह से आपने अपनी सेहत बनाने के साथ साथ साइकिल चलाने का नारा फिलहाल बुलंद करना शुरू कर दिया है? सर, एक साइकिल ऐसा गेम है कि जिसके माध्यम से आप अपना स्वास्थ्य भी ठीक कर सकते हैं, पर्यावरण भी ठीक कर सकते हैं, एफिशिएंसी अपनी बढ़ा सकते हैं। आप मतलब खेल को भी आप बढ़ावा दे सकते हैं। और मेरे ख्याल से करीब करीब सभी लोग जो है साइकिल चलाना जानते हैं, सब मतलब सभी लोग खिलाड़ी हैं साइकिल के। बचपन में माँ बाप भी लकड़ी की या प्लास्टिक की साइकिल लाते के देते हैं, उसको बच्चे को चलाते हैं, फिर बच्चे को साइकिल से चलाते चलाते कार फिर कुछ चलाता। तो इसका हर व्यक्ति इसका खेल का खिलाड़ी, तो इसमें मतलब अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं देश के लिए, अगर अच्छा उनको माहौल मिले, अच्छा उनको साधन मिले, तो वो खेल में भी अपना नाम रोशन कर सकते हैं, पर्यावरण में को भी ठीक कर सकते हैं। और एक आम जनता में जो आजकल जो पर्यावरण के कारण जो सेहत पर उसका काफ़ी असर पड़ रहा है, तो सेहत भी ठीक रहेगी, पर्यावरण की दृष्टि से भी। अभी जैसे दिल्ली में सम विषम के तरीके से साइकिल का वो भी कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे पर्यावरण ठीक हो सकता है। तो साइकिलिंग है कि हफ्ते में एक दिन दो दिन या ऐसा अपन साइकिलिंग का कर दें तो उससे पर्यावरण ठीक हो सकता है। तो पर्यावरण को ठीक करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य की दृष्टि से, और एक खेल को अच्छा भारत इस अगर इसमें खिलाड़ी निकाल तो बहुत अच्छे खिलाड़ी निकल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी साइकिल चलाता है और सभी ने साइकिल चलाई, ऐसा कोई नहीं कि जिसने साइकिल नहीं चलाई। आप भी एक बेहतरीन साइकिलिस्ट माने जाते हैं, और कहा यह भी जाता है कि जब जब राजनीति से फुर्सत मिलती है तो साइकिल चलाना आपकी पहली हॉबी होती है। कितने किलोमीटर तक आप साइकिल चलाते हैं और इसका कितना असर आप देखते हैं अपनी बॉडी वार्मअप में भी जो है आपको नजर आता है? देखिए, साइकिल तो हमारे रग रग में बसी है, मतलब पिताजी भी साइकिल चलाते थे, हम भी स्कूल कॉलेज गए साइकिलों से गए, तो साइकिल तो सब बहुत खूब चलाई साइकिल, और अभी भी जब समय मिलता है साइकिल चलाने का प्रयास करते हैं, अपनी सेहत के लिए भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी उसके लिए। एक आखिरी सवाल, जो हजारों साइक्लोथॉन पार्टिसिपेंट्स हैं उनको आप कैसे जोश खरोश और उत्साह का गहरा संदेश देंगे ताकि वो भी अपने अलग अलग सेगमेंट्स में जो है अपनी भागीदारी निभाएं और पर्यावरण सहेजने का एक बड़ा संदेश इंदौर से जाए जो कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक रिकॉर्ड भी अपने आप में कायम करें? जैसे किला जी ने बताया ना कि ये तीन ई को लेकर यहाँ पर हम इस खेल को कर रहे हैं, और पहला तो यहाँ पर खेल को बढ़ावा मिले, साइकिल को बढ़ावा मिले, इंदौर में साइकिल चले हैं, साइकिल के अच्छे खिलाड़ी निकले, अंतर्राष्ट्रीय स्तर खिलाड़ी निकले। दूसरा, पर्यावरण के लिए, एफिशिएंसी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, ये सारे जो इसके जो इसके कह सकते हैं कि अतिरिक्त लाभ जो हैं इसके साइकिल चलाने के, वो सारे मिलेंगे, जिससे हमारा पर्यावरण भी ठीक होगा, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा, हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और साइकिल को खिलाड़ी भी मिलेंगे, साइकिलिंग के खिलाड़ी भी मिलेंगे जो देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो एक मैं तो यहाँ जो देश विदेश से जो आए हैं साइकिलिस्ट, उनका इंदौर में माहल्या की नगरी में उनका हम स्वागत करते हैं, और यहाँ पर उनके माध्यम से उनको देख कर यहाँ के लोगों को प्रेरित होंगे और वो भी साइकिल की दिशा, साइकिल को खेल के रूप में लेंगे, खेलते खेलते ही वो पर्यावरण को भी ठीक करेंगे, अपने स्वास्थ्य को भी ठीक रखेंगे, अपने एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, तो बहुत सारे उसके
बोनस है जो मिलते हैं, अतिरिक्त लाभ अब मिलता है उसका। बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी। अक्सर कम शब्दों में अपनी गहरी बात रखने वाले और सियासत की बातों से अक्सर दूर रहने वाले विधायक रमेश मेंदोला साइक्लोथॉन को लेकर बहुत सारे संदेश यहाँ पर दे रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि हमारे हिंदुस्तान देश में जिस तरह से पूरे विश्व भर में ग्लोबल वार्मिंग की एक बड़ी समस्या, एक संकट खड़ा है, उस संकट से निपटने के लिए ऐसी साइकिलिंग और ऐसे साइक्लोथॉन के विराट आयोजन सफल और कारगर साबित होंगे। फिलहाल कैमरा पर्सन गजेंद्र सिंह के साथ महेंद्र सिंह, डी लाइव न्यूज़ इंदौर।